अब तक आपने सोना चांदी और दोपहिया वाहनों की चोरी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन देपालपुर में एक चोरी की ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, 18 लाख रुपए की कीमत का नया 6 पहिया वाला डंपर वाहन ही चोरी हो गया, जिससे हर कोई हैरान हो गया। वहीं देपालपुर पुलिस ने पूरे मामले में तत्परता से छानबीन करते हुए आखिरकार आरोपित 21 वर्षीय चोर को पकड़ ही लिया और खुलासा कर दिया। मंगलवार को देपालपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 18 लाख रुपए के डंपर चोरी वाहन के बारे में खुलासा किया, जिसमें देपालपुर SDOP श्रीमती नीलम कन्नौज और देपालपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र शिवहरे ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि बीते दिनों देपालपुर के बैटमा रोड से 6 पहिए वाले 18 लाख रुपए की कीमत के डंपर वाहन को 21 वर्षीय चोर ने चुराया था। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद से ही देपालपुर पुलिस छानबीन में जुटी, जिसमें CCTV फुटेज और आरोपी के फोन पे ट्रांजेक्शन अहम कड़ी साबित हुए और घेराबंदी कर योजनाबद्ध तरीके से आखिरकार पुलिस ने धार जिले के गंधवानी के चिकली गांव से आरोपित को पकड़ लिया और मामले का खुलासा कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि क्षेत्र में अब तक सिर्फ छोटी मोटी चोरियां दोपहिया वाहन चोरी हुए थे, लेकिन पहली बार इतना बड़ा वाहन चोरी हुआ, जिससे क्षेत्र में भी लोगों में भय का माहौल था। वहीं कुछ घंटों और दिनों में ही चोरी की इस घटना का खुलासा कर दिया देपालपुर बैटमा से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। थाना देपालपुर में 5 नवंबर 2022 को एक डंपर चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी के निर्देशन में जो वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए थे, मेरे द्वारा भी थाना प्रभारी को इसके संबंध में एक टीम गठित करने के लिए कहा गया। टीम के द्वारा इसी तारतम्य कार्यवाही करते हुए बहुत सारे CCTV फुटेज को चेक किया गया, जिसमें कुछ एक फ़ोन पे ट्रांजेक्शन भी प्राप्त हुआ। इसके आधार पर हमें जो डंपर चोरी जिसने की थी उस व्यक्ति की तलाश की गई, तो वो ग्राम चिकली गंधवानी थाना गंधवानी जिला धार का रहने वाला मिला, जिसका नाम पर्वत सिंह पिता प्रेम सिंह है, जिससे लगभग 18 लाख कीमत का ये जो चोरी गया वाहन है वो जब्त किया गया है। क्या अन्य कोई भी वाहन उससे अभी और पूछताछ जारी है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।